गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एट होम. सो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट, द इनोसेंट पॉटर. सो इन दिस चैप्टर वी शैल रीड हाउ टू बॉयज मेड फूल एंड इनोसेंट पॉटर. तो इस स्टोरी में हम क्या जानेंगे, इट इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो लड़कों ने एक इनोसेंट पॉटर को, एक मतलब एक मासूम से भोले भाले पॉटर को, पॉटर हु मेक्स द पॉट, मड पॉट, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉटर, एस उस व्यक्ति को किस तरीके से उन्होंने फूल बनाया. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, द चैप्टर. अ पॉटर लिव्ड इन अ विलेज. ही वॉज वेरी इनोसेंट एंड सिंपल फेलो. यानी कि एक गांव में एक पॉटर रहता था. पॉटर जिसे कुम्हार बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. ही वॉज वेरी इनोसेंट एंड सिंपल फेलो. वो बहुत ही साधारण सा एक आदमी था और बहुत ही मासूम भोला भाला एक व्यक्ति था. ही मेड वेरी ब्यूटीफुल पॉट्स. वो बहुत ही सुंदर जो है पॉट्स बनाता था. ही वॉज नॉट ओनली फेमस इन हिज विलेज बट ऑल्सो आउट्स आउट ऑफ हिज विलेज. वो मतलब उस अपने मिट्टी के बर्तन उसके इतने सुंदर होते थे कि वो जिससे कि ना केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के भी गांव में वो काफ़ी फेमस था. ही हैड टू सन्स एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ. उसके दो बेटे थे और एक बहुत ही सुंदर सी उसकी वाइफ थी. ऑल ऑफ देम हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क. सभी लोग उसको उसके काम में हेल्प किया करते थे. ओनली ही हैड अ प्रॉब्लम. केवल उसकी एक ही प्रॉब्लम थी. ही हैड अ डोंकी दैट हैड बिकेम अ वेरी प्रॉब्लम फॉर हिम. तो उसके पास एक गधा था जो कि उसके लिए क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था. हिज डंकी डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क एंड ही बिकेम शॉर्ट टेम्पर्ड. उसका गधा कैसा था कि वो कुछ काम नहीं करना चाहता था और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड. शॉर्ट टेम्पर्ड इट मीन्स इम्पेशेंट, जिसको जल्दी ही जिन लोगों को क्या जाता है, गुस्सा आ जाता है. द पॉटर वॉज फेड अप विद इट. और जो पॉटर था वो इससे अपने गधे से बहुत ही ज़्यादा परेशान था. वन डे द पॉटर थॉट. एक दिन पॉटर ने सोचा, आई मस्ट टू पनिश दिस बीस्ट बाय रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू डंकी. तो उसने कहा कि मुझे अब, उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने इस गधे को सजा देनी चाहिए और सजा के रूप में मैं क्या करूँगा, इसके बदले में एक दूसरा गधा लेकर आऊँगा. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोड हिज ओल्ड डंकी एंड वेंट टू द विलेज मार्केट. तो अगले दिन अगली सुबह जो है वो अपने घोड़े पर सवार होकर मार्केट की तरफ, विलेज मार्केट की तरफ चला. देयर वर मैनी डंकीज फॉर सेल एंड द पॉटर फर्स्ट सोल्ड हिज डंकी सो दैट ही माइट हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू वन. तो वहाँ पर बहुत, जहाँ पर वो मार्केट में गया तो बहुत सारे गधे थे वहाँ पर सेल के लिए, जो मतलब जो बाकी लोग भी जो है अपने गधों को वहाँ सेल के लिए लेकर आए थे. लेकिन जो पॉटर था वो सबसे पहले पहुँचा था, तो उसका गधा जो है सबसे पहले बिका और जिसके लिए उसको काफ़ी अच्छे पैसे मिले कि जिससे कि वो एक दूसरा गधा खरीद सके. द पॉटर रोम्ड इन द विलेज मार्केट टू बाय अ न्यू गुड टेम्पर्ड डंकी. अब जो है रोम्ड इट मीन्स गोइंग हेयर एंड देयर. जब हम इधर उधर ट्रैवलिंग करते हैं तो उसको हम रोम्ड कहते हैं. सो द पॉटर रोम्ड इन द विलेज. जो पॉटर है वो क्या हुआ, रोम्ड घूमने लगा इधर उधर मार्केट में, घूमने लगा एक नया और अच्छा डंकी खरीदने के लिए. ही एग्जामिन मैनी डंकीज बट ही कुड नॉट फाइंड अ डंकी एज ही वॉन्टेड. उसने कई सारे गधों को जो है एग्जामिन किया, टेस्ट किया, लेकिन उसको अभी तक ऐसा गधा नहीं मिला जैसा कि गधा वो चाहता था. एट लास्ट ही चूज एंड बॉट अ डंकी दैट अपीयर टू बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉट. एट लास्ट यानी आखिरकार उसको, उसने एक गधे को जो है चुना, उसको एक गधा मिला जो कि बहुत ही अपीयर्ड इट मीन्स लुकिंग बहुत अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहा था और काफ़ी मोटा जो था वो गधा था. स्टॉट इट मीन्स स्ट्रॉन्ग, जिसे हम मोटा कहते हैं. देन पुलिंग अ रोप राउंड इट्स नेक ही लेट इट बिहाइंड हिम एंड रिटर्न टू हिज विलेज. फिर उसने क्या किया, उसके गले में एक रस्सी बांधी और अपने गांव की तरफ वो चल पड़ा. इट वॉज नून बाय दिस टाइम. और जब वो गांव की तरफ गया तो समय का कौन सा पहर था, नून टाइम था. द पॉटर वॉज यूज टू टेकिंग रेस्ट सो ही वॉज फीलिंग स्लीपी एंड हंग्री. तो अब जो है जो पॉटर था वो काफ़ी थक चुका था और वो आराम करना चाहता था और उसको नींद भी बहुत आ रही थी और उसे काफ़ी भूख भी लग रही थी. तो ऑन द वे ही टुक हिज फूड एंड सेट डाउन टू टेक रेस्ट बिगेन डोजिंग. अब जो है रास्ते में जो है उसने पहले अपना खाना खाया और सेट डाउन एक जगह पे बैठ गया वो रेस्ट करने के लिए. और जैसे ही वो बैठा तो उसको वो डोजिंग मतलब ऊँघने लगा, उसको नींद आने लगी. तो वो वहाँ पर अपने बैठकर वो सुस्ताने लगा. सो
टू कनिंग बॉयज वर चेजिंग हिम फ्रॉम द विलेज मार्केट. जो दो बड़े चालाक, कनिंग इट मीन्स वेरी क्लेवर टाइप जो लोग होते हैं, तो वो बॉयज जो थे उसको मार्केट, विलेज मार्केट से ही उसको उसका पीछा कर रहे थे. व्हेन दे सॉ हिम डोजिंग अंडर अ ट्री, वन ऑफ देम स्टोल हिज न्यू डंकी, रिमूव्ड इट्स रोप एंड पुट इट अराउंड हिज ओन नेक. तो अचानक जब वो, जब उन्होंने देखा कि वो जो है, जो पॉटर है वो डोजिंग कर रहा है, मतलब वो सुस्ता रहा है पेड़ के नीचे, तो उनमें से एक ने क्या किया, उसके गधे को जो है चुरा लिया वहाँ से, और रिमूव्ड हिज रोप. अब उसकी जो, उसके गले से रस्सी निकाल कर उसने क्या करा, अपने गले के चारों तरफ उस रस्सी को अपने गले में बांध दिया. सो ही डिड इट वेरी क्लेवरली दैट पॉटर कुड नॉट फील एनीथिंग. और ये काम उन्होंने बड़ी क्लेवरली से करा, बहुत ही चलाकी से, कि उसको, पॉटर को कुछ फील ही नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है. द अदर बॉय लेट द डंकी टू द मार्केट एंड सोल्ड इट फॉर अ गुड प्राइस. और जो दूसरा जो व्यक्ति था, जो दूसरा लड़का था, उसने क्या करा, उस डंकी को जो है वो मार्केट ले गया और उसको अच्छे प्राइस में उसे बेच दिया. और एक ने क्या करा, अपने गले में रस्सी बांधकर, गधे की जगह अपने गले में रस्सी बांधकर वहीं बैठ गया. द पॉटर वॉज स्टिल नोडिंग इन ए स्लीप. और लेकिन जो पॉटर था, इतना सब होने के बाद भी जो पॉटर था, जो कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, वो अभी भी जो है अपनी स्लीप में, मतलब काफ़ी खोया हुआ था. सो ही एट लास्ट वोक अप व्हेन ही वॉज हिट बाय द बॉय. तो फिर आखिर में जो है वो उठा, जब वो, जब उसको लड़के ने क्या करा, उसको एक धक्का दिया, हिट किया उसको, तो वो तब उसकी नींद खुली. ही थॉट दैट हिज डंकी हैड डन इट. उसे लगा कि ये जो है हिट किसने किया होगा उसको, उसके डंकी ने. सो ही टर्न, और वो मुड़ा अराउंड टू बीट द बीस्ट. और मतलब वो पीछे मुड़ा ताकि वो क्या करे, उस गधे को मारने के लिए, उस जानवर को मारने के लिए वो पीछे मुड़ा. बट ही वॉज सरप्राइज वेयर द डंकी इज. लेकिन जब वो पीछे मरा तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि डंकी कहाँ चला गया. अ रेग्ड बॉय विद अ रोप राउंड हिज नेक. तो वहाँ पर डंकी की जगह क्या था, अ रेग्ड बॉय. रेग्ड बॉय मतलब फटे हुए हाल में, यानी कि उसके कपड़े भी जो थे वो फटे हुए थे. तो ऐसे एक हाल में एक लड़का जो है उस रस्सी से बंधा हुआ था. द पॉटर क्राइड इन एंगर. पॉटर जो है गुस्से में चिल्लाया, हु आर यू, वेयर इज माई डंकी, तुम कौन हो और मेरा डंकी कहाँ है. द बॉय हंग हिज हेड एंड सेड. बॉय ने अपना गला जो है, गर्दन लटकाई, मतलब शर्म से ऐसे नीचे की तरफ झुकाकर, और बोला, आई वॉज द सेम डंकी यू हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट. मैं ही वो डंकी हूँ जिसको तुमने बाजार से खरीदा. सर, आई हैव अ वेरी शेमफुल स्टोरी टू टेल यू. मेरी जो कहानी है वो बहुत ही शेमफुल है, जो कि मैं तुम्हें बताऊँगा. आई हैव बीन वेरी लेजी. मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी था, आलसी था. नॉटी एंड अनवर्दी सन. मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी, नॉटी और बहुत अनवर्दी सन था. बहुत ही नालायक बेटा था मैं. माई पेरेंट्स वर वेरी फेड अप विद मी. मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा फेड अप थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे. तो उन्होंने क्या किया, वन डे दे गेव मी सम मनी एंड सैड, गो टू द मार्केट एंड बाय समथिंग टू ईट. But I spent all my money due to my bad habit. In the evening when I went to house, my hungry parents asked me to edible items. तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए मेरे पेरेंट्स ने. ये स्टोरी जो है वो बॉय पॉटर को बता रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ पैसे दिए कि तुम बाजार जाकर कुछ खरीद, खाने के लिए कुछ लेकर आओ. लेकिन मैंने उन पैसों को क्या किया, अपनी बैड हैबिट्स में यूज़ कर दिया. जब शाम को मैं घर वापस आया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे खाने के आइटम्स के लिए पूछा, जो खाने की चीज़ें उन्होंने मेरे से मंगाई थी. सो आई यूज़ टू डिसोबे माय पेरेंट्स. तो इस तरीके से मैं अक्सर ही अपने पेरेंट्स को डिसोबे करता था, उनका कहना नहीं मानता था. सो माय पेरेंट्स बिकेम सो डिस्गस्टेड विद माय बिहेवियर दैट दे प्रेड टू द गॉड टू कन्वर्ट मी इनटू अ डंकी. तो जब मेरे पेरेंट्स जो हो गए, वो मेरे से बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए मेरे इस व्यवहार से, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे इस बेटे को गधे में बदल दो. सो देयर प्रेयर वॉज एट वंस ग्रांटेड एंड आई बिकेम अ रियल डंकी. और उनकी जो प्रेयर थी वो ग्रांटेड हुई, यानी कि भगवान ने उनकी जो है प्रार्थना सुनी और मुझे एक रियल डंकी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया. सो द चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड ओनली द हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास. सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल हेयर. And now that's all for today. And the other work we will do in the next class. Then bye. Take care.